प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। मेरा नाम बबीता कोचर, मैं मिल्टन अंटेरियो से हूँ। 2 साल से मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ और मैंने आपको फेसबुक पे भी कुछ अपने अनुभव लिखे थे और आपने कहा था कि अनुभव अच्छे हैं और मार्गदर्शन ले लीजिए। किसी कारण इंडिया नहीं आ पाए, बट आप यहाँ आए तो थैंक यू सो मच। मेरी थोड़ी अनुभूति हुई थी, अगर कहें तो मैं बता दूँ। जी जी बता दीजिए अनुभूति अपने। जब कल हम लोग आए थे, परसों आए थे, तो ओम मंत्र और शांति मंत्र का जाप चल रहा था जी। तो मेरा आते ही ध्यान लग गया और जब आपने कहा कि ऐसा सोचिए कि एक माता है और उनके ऊपर मुकुट है, तो मुझे वो लगा कि वो एक देवी यहाँ से जा रही हैं और सब लोग उनके पैर छू रहे हैं। तो मेरे पास जब आई तो मैंने भी उनके पैर छुए, तो उन्होंने मेरे हाथ पे, सिर पे हाथ रखा, दोनों हाथ ऐसे रखे और फिर मैं पीछे होकर जैसे साधना करते हैं वैसे बैठ गई, तो उन्होंने अपना सिर मेरे, अपना पैर मेरे सिर पे रखा। थोड़ी देर बाद वो उनका पैर मेरे अंदर जाने लगा और मेरा शरीर जैसे ऐसे दो टुकड़ों में हो गया और वो नाभि चक्र तक ही गया था और मेरा शरीर अभी नीचे से जुड़ा हुआ था, फिर वो वापस ऊपर आने लगा पैर और मेरे सिर पे ही आके खड़ा रखा हुआ था। और मैंने फिर आपको, आप पीछे नज़र आ रहे थे यहीं पर बैठे हुए और मुझे कभी आप दिखाई दे रहे हो, कभी शिरडी साई बाबा दिखाई दे रहे हैं, कभी आप, कभी शिरडी साई बाबा। तो एक अनुभव ये था और एक और था कि एक छोटा सा घोंसला है और उसमें 3-4 छोटे छोटे सांप के बच्चे हैं। मैंने जैसे ही उन्हें देखा तो वो सब भाग गए, बच्चे सारे छोटे सांप के बच्चे भाग गए और एक बहुत बड़ा सांप उनके उधर उधर की तरफ से मुझे देख रहा था। तो मुझे सांप बहुत दिखते हैं, डराते भी थे पहले, तो मैंने उस सांप से बोला कि आज तो मेरे गुरु सामने बैठे हैं तो मैं डरने वाली नहीं हूँ। तो उसने, और मैंने अपनी आंखें बंद थी लेकिन फिर अंदर आंखें बंद कर ली और उसकी, और मेरे को अंदर कुछ ऐसा लगा कि कुछ किरने या कुछ लिक्विड अंदर आया है, मैं सांप ने फेंका या क्या है, लेकिन उसने फिर बहुत तेज मेरे माथे के एक तरफ मुझे डसा और उसमें होल हो गया। ये अनुभव आए थे बाबा जी। आप दिन में कितनी साधना करती हैं? मंत्र जाप पूरा टाइम चलता रहता है लेकिन साधना आधे घंटे से 1 घंटे तक मैं करती हूँ बैठकर, और उसके बाद क्योंकि मेरी आंखें थोड़ा ऊपर चढ़ जाती हैं तो वो उसी टाइम जब मैं साधना छोड़ती हूँ तो ऐसे नॉर्मल नहीं होती, तो मैं जब बेड पे लेटने जाती हूँ तब भी वो वैसी ही रहती हैं। ठीक है, साधना करते रहिए, यहाँ से जाएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दें साधना में। मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ कि आप गहराई में जाएंगे, गहराई में, समझ रहे ना, आपका ध्यान गहरा लगेगा, गहराई में जाएंगे नहीं ध्यान गहरा लगेगा, ऐसी मेरी सोच है। ठीक है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मेरा नाम धरा है। मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं साधना नहीं करती हूँ और फिर भी आपने मुझे आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं, मेरा एक प्रश्न है कि मैं भक्ति और साधना दोनों एक साथ कर सकती हूँ? जी कर सकती हैं, लेकिन आपके पास इतना समय होगा क्या? वैसे अगर साधना यानी योग करने वाला साधक भक्ति करे तो जल्दी उसका मार्ग आगे की ओर प्रशस्त हो जाएगा, लेकिन ध्यान में ज़्यादा समय उसे गुजारना होगा। भक्ति से अंतःकरण और मन जल्दी शुद्ध होता है, ये उसमें भक्ति में श्रेष्ठता होती है, क्योंकि उसमें सरलता आती है, सरलता के कारण उसका अंतःकरण जल्दी शुद्ध होने लगता है। और एक क्वेश्चन था कि अभी मेरे पैरों में बहुत दर्द है,
तो क्या मैं साधना नीचे नहीं लेकिन किसी चेयर या सोफे पे बैठ के कर सकती हूँ? जी, अगर किसी कारण से या परिस्थिति बस सामान्य अवस्था में यानी सहजासन में या पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं, तो फिर जो अवस्था आपको, जो तरीका आपको अच्छा लगे, सुविधाजनक अच्छा लगे, उसको प्रयोग कर लीजिए। यानी अगर किसी को कोई परेशानी है तो कुर्सी में बैठ के कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अगर किसी साधक का शरीर स्वस्थ है, डॉक्टरी तौर पे सही है, तो फिर उसे ऐसे ही आसन लगा करके बैठना चाहिए, स्टूल कुर्सी या सोफे आदि पे नहीं ध्यान करना चाहिए। लेकिन आप ये बता रहे हैं कि मेरे पैरों में परेशानी है, तो कुर्सी का प्रयोग कर सकती हैं, चौड़ी सी कुर्सी हो, सोफे की तरह आराम से बैठ सकते हैं, या पैर लटका के बैठें आप, सुविधाजनक, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।